हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं फ्रेश पनीर वेजीज समत किचन में। ये स्नैक तो बिल्कुल हिट है, जिसने खाया उसका वो फ़ैन हो गया। मेरे भी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी है। और हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी हो कि जिसमें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और टेस्ट भी लाजवाब आए। तो ऐसे ही ये झटपट रेसिपी है और ये इतनी जल्दी बन जाएगी कि जितनी टाइम में आप मैगी बनाते हैं या कोई भी इंस्टेंट नूडल बनाते हैं, और उससे भी कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं अगर आपके चॉपिंग स्किल्स अच्छे हैं। तो हम शुरू करते हैं फ्रेश पनीर वेजीज बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है बड़े पीसेस में कटा हुआ पनीर 200 ग्राम, और ये है हमारी कटी प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, और ये है बेल पेपर येलो वाला, और ये है कॉर्न रेड बेल पेपर, और ये है कैप्सिकम कटा हुआ। थोड़े बड़े बड़े पीस काटने हैं, थोड़ा चौकोर शेप में काटा है, और ओरिगानो, थोड़ा ऑयल, और यहाँ पाउडर यूज़ करेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा, बहुत ही और आसानी से ये बन जाएगी डिश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डाल देंगे थोड़ा तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी बहुत हेल्दी और झटपट रेसिपी है। तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन, लहसुन को थोड़ी देर भूनेंगे। जब ये थोड़ा सा हो जाएगा, इसका खुशबू आने लगेगी। अब ये इसमें डालेंगे हम प्याज, थोड़ी देर प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहिए जैसे ये जल ना जाए। भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम कॉर्न। ये कॉर्न मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए हैं, इनको 5 मिनट के लिए उबाल दिया है, जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो गए। क्योंकि ये रेसिपी हमारी फ़ौरन बनेगी, इसमें गलने का टाइम नहीं मिलेगा वेजिटेबल्स को, इसलिए कॉर्न को मैंने पहले ही थोड़ा गला लिया है उबाल के। थोड़ी देर इसको भूनेंगे इसके साथ, और अब हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने डाला रेड बेल पेपर, ये ग्रीन डाला, और ये वाला येलो, ये सब डाल दिया। और इनको भी थोड़ा सा मीडियम हीट पे ही रख के इनको सॉटे करेंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक इनको चलाएंगे। वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, क्योंकि इनका क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर, और पनीर के साथ भी हम चलाएंगे इसको 1 मिनट तक। हल्के हाथों से करेंगे, पनीर नहीं तो बिखर जाएगा टूट के, और आंच को मीडियम ही रखिए। अब इसमें डाल देंगे हम ओरिगानो, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम कम डालेंगे, इसमें सूप में होगा नमक। और ये लिया है मैंने मनचाओ सूप, तो आप जो है तो अपनी चॉइस का कोई भी सूप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये मनचाओ सूप। आप चाहें तो, अगर टोमेटो फ्लेवर चाहते हैं तो टोमेटो सूप ले लीजिए, या फिर कोई भी मंचूरियन टेस्ट वाला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इससे क्या होगा, ये हमारा जो रेसिपी है बहुत क्विकली बन जाएगी। और इसको हम डाल देते हैं, और अपनी हीट को कर लेते हैं बिल्कुल लो। इसको 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पे इसको ढांक के छोड़ देते हैं, सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा स्टीम आने देते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए, धीमी आंच पे बिल्कुल, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये 1 मिनट हो गया है, मैंने खोल दिया, और ये हमारा फ्रेश पनीर वेजीज रेडी है। देखा आपने, ये कितनी आसानी से, कितनी क्विक रेसिपी है, और इतनी जल्दी बन गई, और है भी टेस्ट में बहुत यमी, बहुत लाजवाब। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली है, और जिसमें मैंने कुछ लेटस के पत्ते बिछा लिए हैं, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इस पर अब हम थोड़ा सा अपना ये पनीर डाल देते हैं, और ये देखिए कितना अमेजिंग लगने लगा, बिल्कुल लग रहा 5-स्टार होटल वाली डिश। और दूसरी तरह से मैंने सिंपली एक बॉल में डाला हुआ है। तो ये हमारा फ्रेश पनीर वेजीज रेडी है, जो कि आपने देखा कि बनाने में कितना क्विक और आसान था, बहुत ही सिंपल डिश है। और सूप मैंने पाउडर इसलिए यूज़ किया कि एकदम इंस्टेंट फ्लेवर आ जाता है, और इसके टेस्ट को एक अलग लेवल पे ले जाता है। ठीक, क्विक स्नैक है, और नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं, या फिर आप शाम के टाइम पर जब भी आपका दिल चाहे तब आप खा सकते हैं। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और करिए समत किचन को सब्सक्राइब, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ईजी रेसिपीज़ को जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।